नमस्ते फ्रेंड्स, अमेजिंग टीवी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर से डिजाइन। एक आरी और मगम वर्क पैटर्न है जिसे मैं दिखाती हूँ नॉर्मल स्टिचिंग नीडल यूज करती हुए। तो पहले मैंने स्लीव्स के ऊपर मार्किंग कर दिया है, ये स्लीव ओपनिंग का मार्किंग है। और इसे डिजाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ जेरी थ्रेड। ये सिंगल स्ट्रैंड ले रही हूँ, ये नॉर्मल स्टिचिंग हेमिंग नीडल है नंबर 9। और इसे लेते हुए लाइन के ऊपर मैं नॉर्मल चेन स्टिच से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपको आरी नीडल चलाना आती है तो आप आरी नीडल से आरी चेन स्टिचेस बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए। और ये सारे जो मटेरियल्स मैं इस पैटर्न के लिए जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे फैंसी या टेलरिंग मटेरियल शॉप्स में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेजोन स्टोर्स में, डिस्काउंटेड रेट्स में आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप चाहे तो उसे चेक करते हुए बाय कर सकते हैं। इधर आप क्लियरली देख रहा है ना, मैंने थोड़ा ही थ्रेड लिया है जरी थ्रेड, नहीं तो बीच बीच में थ्रेड ब्रेक हो जाते हैं, नहीं तो इधर टैंगल्स जैसे निकलते हैं। तो ऐसे थोड़ा लेते हुए हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ध्यान रखिए जो लूप्स हैं ना सेम रहना चाहे, तो सेम लेंथ लेते हुए ऐसे नॉर्मल चेन स्टिच से मैं पूरा 18 लाइन्स के साथ डिज़ाइन करती हूँ। और स्टिचिंग होने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। और मैंने बिल्कुल बीच में सर्कल्स ऐसे बनाया है इसी चेन स्टिच के साथ, इधर भी मैं दिखा रही हूँ आपके लिए। और बिल्कुल इसके बीच में जो है ना ग्रीन कलर का कुंदन चिपकाती हूँ, तो उसका साइज हिसाब रखते हुए मार्क कीजिए और इसके ऊपर ही स्टिच करने का है। आप इस तरह के पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं ब्राइडल या फैंसी या पार्टी वेयर के लिए, ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं। अगर आप हैवीली पैटर्न जैसे ट्राई करना चाहे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ बूटी जैसे भी बना सकते हैं अपने प्लेन साड़ी को डिज़ाइन साड़ी बनाने के लिए, या फिर दुपट्टास या फिर ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। बिल्कुल इन चारों को बीच में मैंने ये ड्रॉप शेप का कुंदन रखते हुए उसका शेप का जो है ना मार्किंग दिया है, और इसके ऊपर ही मैं ये चेन स्टिच कर रही हूँ जिससे कि ये हाईलाइट हो जाती है जरी थ्रेड के साथ। इस तरह के डिज़ाइन आप ऑलरेडी स्टिच किया हुआ ब्लाउजेस के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर गारमेंट्स डिज़ाइनिंग के लिए भी कर सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ ये ऑलिव ग्रीन का ड्रॉप शेप कुंदन है, इसे रखते हुए स्टिच कर देती हूँ। इसके बीच में जो है ना दो होल्स हैं, नहीं तो होल्स नहीं रहती हैं तो आपको स्टिक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसके बाद ही ग्लू अप्लाई करती हूँ और चेन बॉल के साथ इधर स्टिक कर देती हूँ। ध्यान रखिए इसका जो शेप है ना वो बिल्कुल एलिवेट होना चाहिए ऐसे ही, और इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ड्राई होने के लिए। और इस सर्कल के बीच में भी ग्लू अप्लाई करती हूँ और ग्रीन कलर का कुंदन चिपका देती हूँ। अब ड्राई हो चुका है, बिल्कुल इसका जो सेंटर है ना मार्क किया है, और इधर से इधर मेजर करते हुए स्टोन लेस को मैं स्टिक कर देती हूँ। और फिर इसके बाजू ही फिर से चेन बोर लेस को लगाते हुए मेजर कर देती हूँ इधर से इधर तक, और ग्लू अप्लाई करते हुए फिर से स्टिक कर देती हूँ। एक ईयरिंग पैटर्न है और नीचे मैं 7 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि इसका जो बीच का गैप्स है ना सेम रहना चाहिए। और इसे डिज़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल्स दो साइज़ का, छोटा और थोड़ा बड़ा उसे, और शुगर बीट के साथ। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए जरी थ्रेड का यूज़ करते हुए बिल्कुल इसके बीच में ये दो ऐसे इंसर्ट करती हूँ पर्ल्स को, और इसके साथ भी मैं शुगर बीट को इंसर्ट कर देती हूँ। तो 3 ऐसे ही इंसर्ट करने का है, और फिर से थ्रेड को निकालते हुए ऊपर जो पर्ल है ना उधर से निकालने का है, जिससे कि ये हैंगिंग जो लुक जैसे दिखती है। और अब बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी बची 6 लाइंस के ऊपर भी स्टिच कर देती हूँ, यानी ये 2 पर्ल्स और 1 शुगर बीट के साथ ऐसे इंसर्ट कर देती हूँ जरी थ्रेड को। फिर से नीचे से निकालती हूँ ऊपर की ओर, और पर्ल जो है ना इधर से निकालती हूँ, जैसे कि ये हमारा हैंगिंग लुक जैसे दिखती है पैटर्न, है ना कितनी सुंदर दिख रहा है ना।
और एक ओवरऑल डिजाइनिंग पैटर्न है जिसे आप डिजाइन कर सकते हैं फुल ब्लाउज के लिए या फिर ओनली स्लीव्स के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। और अब मैं ये चेन बोलेस स्टोनलेस के ऊपर भी इनविजिबल स्टिचेस देती हूँ जैसे कि आप फ्रीक्वेंट वॉशेस करने पर भी नहीं निकलती। और हमने स्लीव ओपनिंग के ऊपर भी डिज़ाइन करने का है जैसे कि पर्ल लेस यूज़ करते हुए मैं इसके ऊपर फाइनल स्टिचेस देते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। दो या तीन पर्ल्स को छोड़ते हुए ऐसे स्टिचेस करने का है जैसे कि हम जो ये स्टिचेस कर रहा है ना वो ना दिख ना पाए और ऐसे पूरा स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन करने का है। बनने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल स्टिचिंग नीडल यूज़ करते हुए, है ना। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी और सर्कल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग टीवी चैनल को और देखते रहे लेटेस्ट फैशन और ट्रेंडी वीडियोस को। साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मिल जाएगा मेरे नए नए नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।